हैं मैदान के अंदर, और ये शराब देखिए आराम से बिस्तर लगा हुआ है। तो आपका एक क्लब वर्सेज जंग के बीच में गेम चल रहा है जबरदस्त। अमान भाई का पीछे खड़े हैं और पीछे हैं सालम भाई। लेकिन लोगों ने हाथ से बाहर रखा जिससे खिलाड़ी को ऑन माई स्कोर क्या चल रहा है अभी अपना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तिवारी काइट लखनऊ में। आज हमें लखनऊ के बुनियाद बाग मैदान में जहां पर खेला जाएगा आगा स्पोर्टिंग काइट टूर्नामेंट 2024 का फाइनल जो होगा नवाब काइट क्लब वर्सेस यम काइट क्लब के बीच में, और यहां पर सामने आप देख रहे हैं तैयारी हो रही है आज के गेम की स्टेज पर, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा सभी को। और सभी को इंतज़ार था कि 128 टीमों में से कौन पहुंचेगी। और अब सभी के सामने रिजल्ट आ चुका है। नवाब काइट क्लब और यम काइट क्लब के बीच में ये फाइनल खेला जाएगा, और चलते हैं देखते हैं टॉस होने जा रहा है, देखते हैं कौन जीतता टॉस यम काइट क्लब और नवाब के बीच में। चलते हैं दोस्तों टॉस के पास, फाइनल का देखे दोस्तों टॉस होने जा रहा है नवाब काइट क्लब वर्सेस यम काइट क्लब के बीच में। आगा स्पोर्टिंग काइट टूर्नामेंट 2024 का फाइनल खेला जा रहा, और इसके लिए सिक्का उछालेंगे हमारे हाशिम भाई। और कॉल कौन करेगा? कॉल करेंगे रॉकी भाई के लिए, लाल भाई करेंगे। और ये हुआ सिक्का उछला दोस्तों, और हेड आया है दोस्तों, और ये टॉस जीता है दोस्तों नवाब काइट क्लब ने। टॉस जीता है ये नवाब काइट क्लब ने, टॉस जीत लिया। कौन हारे? मुबारक हो नवाब काइट क्लब टॉस जीत गए। यहाँ पर हवा भी आ गई दोस्तों इसके साथ साथ, बहुत बढ़िया। नवाब काइट क्लब के लिए तारिक भाई देखे पहली पतंग छोड़ के जा रहे हैं मंझे की यहाँ पर, और फाइनल का गेम है जो कि यम काइट क्लब से। तो अब बहुत ही ज़बरदस्त हवा आ चुकी है, बेहतरीन डो छोड़ के जाते हैं मंझे की तारिक भाई। गेम नहीं शुरू हुआ यहाँ पर फाइनल का, लेकिन आसिफ भाई आ चुके हैं मैदान के अंदर, और आसिफ भाई से जानेंगे आज कौन जीतेगा। आसिफ भाई, यम और नवाब के बीच में गेम हो रहा फाइनल, और कौन जीत सकता है आज? दोनों ही टीम अच्छी है, नवाब भी अच्छी है और यम भी अच्छी है। यम भी अच्छी है, उनके पास हीरे की डोर है, हमने सुना है हीरे की डोर। अच्छा, हीरे की डोर है, हीरे की डोर है, सोने की डोर। रॉकी रॉकी भाई भी हमने सुना सोने की डोर ला दे, सोने की डोर, सोने की पॉलिश चढ़वाई है हीरा, उसमें लड़ेगा। देखते हैं कौन जीतता है, वैसे एंजॉय करने आए हैं हम लोग, मजा आएगा फाइनल के बाद। हम लोग फाइनल से जीतेंगे, उसमें एंजॉय करेंगे, उसी में जीतेंगे यम हम, यम रॉकी भाई या तो फिर रॉकी भाई। चलिए देखते हैं दोस्तों। बुनियाद बाग की जनता देखिए आ चुकी है मैदान के अंदर, और अपनी अपनी जगह ले चुकी है। धूप बहुत तेज है दोस्तों, इसलिए पेड़ की छाया लिए हुए हैं यहाँ पर, और गजब जबरदस्त फाइनल होने की उम्मीद है दोस्तों यम काइट क्लब और यम के बीच में, नवाब और यम के बीच में गेम होगा। और सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं और गेम शुरू होने जा रहा है। नीचे देखिए तारिक भाई नवाब काइट क्लब के लिए सामने तैयारी ले रहे हैं, और ऊपर से पेल लड़ाएंगे यम के लिए, पहला पेल लड़ाएंगे शायद, ऑन पेल लड़ाएंगे दोस्तों सामने। और सभी की निगाहें दोस्तों इस पेज पे हैं, देखते हैं कौन लीड लेता है फाइनल में पहला पेज काट करके। और चलते दोस्तों हम भी इस पेज को समझते हैं कौन कैसे काटता है। ये सही हो चुका है दोस्तों, सामने देखिए पेच होता हुआ, नीचे लड़ा रहे तारिक भाई नवाब काइट क्लब के लिए, और ऊपर से है ऑन, नीचे से नवाब के लिए तारिक भाई मुड्ढा,
लेग अंदर का जाते हैं, थकी देते पता चलाते हुए सामने पे लड़ता हुआ नीचे से और ऊपर से है यम के लिए ऑन ऑन, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए जिगा बनाते हुए चक्कर देते हुए पेस सही सामने पे लड़ता हुआ नीचे से अंदर का मुड्ढा ले गया तारिक भाई पतंग हल्का तो ऊँची करते हुए ऊपर से ऑन रखते हुए हल्का मुड्ढा बाहर का जिगा बनाते हुए पेस सही सामने दोस्तों पे लड़ता हुआ फाइनल का पहला पेच है। राइट हैंड साइड पे दोस्तों पतंग है नवाब काइट क्लब की और लेफ्ट हैंड साइड पे पतंग है ऑन यम की। नीचे से तारिक भाई अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए सामने पे लड़ता हुआ जिगा बनाते हुए ऊपर से ऑन चेहरा घेरते हुए धपकी देते पतंग चलाते हुए हल्के हाथों से अंदर बाहर करते हुए पतंग चलाते हुए सामने पेज लड़ता हुआ दोस्तों बहुत ही पेशेंस और इसी के साथ पेच ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। सामने देखिए दोस्तों पेच होता हुआ पेच सही हो चुका है नीचे से ला रहे हैं तारिक भाई नवाब के लिए और ऊपर ला रहे हैं ऑन सामने पेज लड़ता हुआ दोस्तों जिगा बनाते हुए ऊपर से ऑन चढ़ जाते हुए हाथ की ओर ये सही नीचे से नवाब के लिए तारिक भाई मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए तेजी के साथ ऊपर से चढ़ जाते हुए हाथ की ओर जिगा बनाते हुए काफ़ी कम पटाव में दोस्तों पेच हो रहा है। एक पतंग है नीम के ऊपर या नीम के आगे दोस्तों एक पतंग देखिए इधर ये देखिए और यहाँ पर फिर से दोबारा कैंसिल हो गया दोस्तों पेच जबरदस्त मुकाबला हो रहा फाइनल का और पेच से ज़्यादा दोस्तों ये सभी लोग हैं मज़ा आ रहा दोस्तों पेच में बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है मैं बार बार कैंसिल हो गया बार बार कैंसिल हो रहा है एक घंटे से एक पेच नहीं हो पा रहा एक घंटे से एक पेच नहीं हो पा रहा देखे दर्शक लोग भी परेशान हो चुके इस पेच को लेकर के और कहाँ से आए यहीं आसपास दूर कहीं से बस सामने घर है और आगे मैदान में फाइनल देखने ये गुजरात का है पप्पू का लड़का है मजा आ रहा है आप लोगों को फाइनल देखने में बहुत मजा आ रहा है ये देखिए ये मेरे कल्लू प्रधान के लौंडे बाराबंकी में जो कल्लू प्रधान पीर बटावन सिटी स्टेशन खेवड़ा से है अच्छा कल्लू प्रधान के लौंडे मैच देखने आए हैं। अच्छा कौन जीतेगा ये बताइए नवाब जीतेगा यम जीतेगा आधा इनाम करेगा तब तो सपोर्ट कर रही है तिवारा दोस्तों पेच होता हुआ और ऊपर से ऑन रखते हुए बाहर का लेके जाते हुए और कैची फंसते हुए डोर पे खेल होता हुआ पेच पेच सही दोस्तों सामने पे लता हुआ नीचे से तारिक नवाब का इट लगा ऊपर से ऑन जिगा लेते हुए अंदर का मोड़ते हुए तार यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ बाहर तेज खींच के ये पेच डोर पे रोक दिया और ये पेच नवाब ने काट दिया दोस्तों इसी के साथ 1-0 से नवाब इस फाइनल मैच में 1-0 से आगे चल रहा है यम काट कर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला सीटी दोस्तों बच चुकी है हमारे सीटी बजाई तौफीक भाई ने और फाइनल का दूसरा पेच होता हुआ नीचे चलाएंगे तारिक भाई और ऊपर चलाएंगे यम के लिए अमान और चलते हैं दोस्तों सीधा पेच की ओर सामने पेच को समझते हैं देखते हैं क्या होता है इस पेच पे ऊपर से लाएंगे अमान और नीचे से लाएंगे तारिक भाई देखिए पेच सही सीटी बच चुकी है ऊपर से यम मुड्ढा लगते हुए हल्का तो नीचे से तारिक भाई अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए जिगा बनाते हुए नीचे से और ऊपर से है अमान अमान हाथ की ओर चढ़ जाते हुए ऊपर काफ़ी ऊँची पतंग कर रखी यहाँ पर हाथ की ओर रखे आते हुए पेच सही है दोस्तों नीचे से तारिक भाई अंदर का मुड्ढा लेके बाहर की ओर आते हुए जिगा बनाते हुए अंदर बाहर चलाते हुए पेच सामने लड़ता हुआ फाइनल का पेच जो जीतेगा वो चैंपियन कहलाएगा ऑल इंडिया चैंपियन अधिकार टूर्नामेंट बुनियाद बाग का और पेच सही सामने दोस्तों पेच लड़ता हुआ नीचे से तारिक भाई ऊपर का मुड्ढा लेके जाते हुए अंदर की मुड्ढे पर पेस सही
फाइनल का मैच नवाब वर्सेस यम के बीच में होता हुआ, ऊपर से यम के लिए अमान चक्कर देते हुए अंदर गए, नीचे से तारिक भाई अंदर का मुठ्ठा लेके जाते हुए पेस सही। और यहाँ पर दोस्तों पेज कैंसिल हो गए सिक्स साथ, तो तैयारी लेते हुए सामने पेज लड़ता हुआ नीचे से नवाब के लिए तारिक भाई अंदर का मुठ्ठा लेके जाते, ऊपर से अमान रखते हुए पतंग अपनी ऊंची करते हुए जिगह बनाते हैं और तारिक भाई तेजी के साथ अंदर का मुठ्ठा लेके आते हुए पतंग अपनी ऊंची करते हुए सामने पेज लड़ता, पेज सही है दोस्तों, पेज सामने हो रहा। फाइनल का दूसरा पेज होता हुआ यम और नवाब काइट क्लब के बीच पेज होता हुआ फाइनल मुकाबला, और देखते हैं आज बुनियाद बाग का चैंपियन कौन बनता है ऑल इंडिया अधिकांत टूर्नामेंट 2024। और काफ़ी फटाओ और कम करके पेज दोस्तों ला रहे हैं यहाँ पर, पेज सही है। और ऊपर का खिलाड़ी मुड्ढा रखने का नाम नहीं रहा दोस्तों, पता है अपनी ऊंची करते हवा भी आज थोड़ा नाटक करे दोस्तों, इसी के साथ पेज फिर से कैंसिल हो गया। पर ये देखे दोस्तों लोग बैठे हुए यहाँ पर पेज देखने के लिए, और आपको मजा आ रहा है इसमें फाइनल में रोहित बहुत मजा आ रहा है, अगली टीम पतंग का मुड्ढा नहीं रख रही है, बहुत से लोग पतंग लड़ रहे हैं, एक घंटे में एक पे लड़ा रही है, एक घंटे में एक पे लड़ा रही है। देखे दर्शक लोग भी परेशान हो गए हैं इस गेम को देख के। और चलिए दोस्तों दोबारा तिवारा और चौबारा हो सकता है, सामने पेज को समझते हैं, नवाब वर्सेज यम के बीच में पेज सही सीटी बच चुकी है। सामने देखे पेज होता है नवाब स्पीड के लिए अंदर का तेजी से पतंग खींचते पता अपनी ऊंची करते हैं, ऊपर से यम के लिए अमान चक्कर देते हुए बाहर का मुड्डा डाल के लेके आते हुए जगह बनाते हुए सामने पेज लड़ता हुआ चेहरा घिरते हुए अमान नीचे से तारिक भाई अंदर का मुड्डा लेके जाते पतंग चलाते हुए जगह लेते हुए नीचे से अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए चेहरा घेरते हुए यहाँ पर अमान यम के लिए अंदर का मुड्ढा लेके आते हुए पेज सामने रहता हो दोस्तों 1-0 से नवाब कैट क्लब फाइनल में आगे चल रहा है। यहाँ पर नीचे से तारिक भाई थपकी देते पता अपनी ऊंची करते हुए अंदर का जिघा लेते हुए पेज सही सामने पेज लड़ता हुआ पेज सही बहुत जबरदस्त मुकाबला होता हुआ फाइनल मैच, ऊपर से मान रखते हुए और शायद डोर पे आ गया खेल गया नहीं हुआ अभी पता है हल्का डोर छोड़ दिया यहाँ पे तारिक भाई ने चेहरा गिर रहे खिलाड़ी तो डोर छोड़ दिए जिघा ले रहे अंदर का जाके मुड्ढा ऊपर से मान बाहर के लिखाते हैं अंदर रखते हो तारिक भाई भरपूर ताकत के साथ बाहर खींचे हो यहाँ पर बढ़िया गद्दा मार के यहाँ पे चेहरे पे पेच काट दिया यहाँ पर यम ने। और इसी के साथ दोनों टीमों के बीच में स्कोर हो गया 1-1 का बराबर, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला। और अमान को यहाँ पर सालम भाई सपोर्ट करते हुए समझाते हुए और मैदान खचाखच भरा है दर्शकों से आप देख सकते हैं, फाइनल मैच हो रहा है यहाँ पर बुनियाद बाग अधिकार टूर्नामेंट 2024, ज़बरदस्त मुकाबला होता हुआ और भीड़ बहुत है दोस्तों जिखा नहीं इस फाइनल को। नवाब कैट क्लब के लिए देखे अब फाद भाई पेल लड़ाएंगे नीचे से नीचे सॉरी ऊपर से लड़ाएंगे और अमान लड़ाएंगे यम के लिए नीचे से दोस्तों अपने आगे जगह बना रहे अभी। और आप देख सकते हैं बुनियाद बाग में दर्शकों की भीड़ बहुत है फाइनल में, झिगा नहीं है दोस्तों, पेड़ की भी जैसे जैसे शाम बढ़ती चली जा रही है और दर्शक भी बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी झिगा बना रहे हैं तैयारी ले रहे खिलाड़ी। और चलते हैं हम दोस्तों इसी के साथ सीधा पेज की ओर, 1-1 का बराबर है नवाब और यम के बीच पेज, पेज सही सामने पेज होता हुआ हमने देखो दोस्तों पेज होता हुआ ऊपर लड़ा रहे फहद नीचे से अमान है यम के लिए झिगा लेते हुए पेज सामने लड़ता हुआ 1-1 का स्कोर बराबर है, जो जीतेगा दोस्तों फाइनल चैंपियन कहलाएगा ऑल इंडिया दी कार्ड टूर्नामेंट 2024 आगा स्पोर्टिंग। और नीचे से अमान
चक्कर देते हुए पतंग अपनी ऊंची करते हुए। देखिए पेच होता हुआ दोस्तों, पेच सही है और लड़ाने की कोशिश करे खिलाड़ी, ऊपर से फाद मुड्ढा बाहर का लेके जाते, भरपूर ताकत के साथ अनपट मारते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया पेच काट दे, यहाँ पर हमारा नवाब काइट क्लब के लिए फाद ने बाहर खींच के जबरदस्त, और इसी के साथ 2-1 से नवाब काइट क्लब इस फाइनल में दोस्तों आगे चल रहा। बहुत बढ़िया पेच काट, जबरदस्त खिलाड़ी हमारे आकाश काइट क्लब के, बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं लखनऊ में, और शाहरुख भाई भी आए हुए मैदान में यहाँ पर देखने के लिए ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट 2024 का फाइनल। और शाहरुख भाई ये कैसा लग रहा है आपको ये गेम जो हो रहा है नवाब काइट क्लब और यम के बीच में हो रहा है, और क्या उम्मीद है कौन जीत सकता है यहाँ पर? जो अच्छा लड़ाएगा वो जीतेगा। और नीरज भी आए हुए यहाँ पर, और खिलाड़ी कुमार भी है मैदान के अंदर, और ये सदाब देखिए आराम से बिस्तर लगा हुआ है इस दो पहिए पे देखिए, और अखिल ठाकुर भी हैं इस मैदान के अंदर। ये आकाश काइट क्लब का लखनऊ का टाइगर है सदाब, देखिए आज शेर जो है आराम कर रहा है यहाँ पर गाड़ी पे लेटा लेटा। ये खिलाड़ी कुमार गर्मी बहुत है, अंगोछा लेके चले हैं साथ में, और ये भी आकाश की टीम के हैं, और ये शाहरुख हमारे बब्बर शेर। और जब खींचते हैं तो पतंग की जो है कांपे टूट जाती हैं, पतंग जब हाथ में लेते हैं तो पतंग डर जाती कहीं फट न जाए। यहाँ पर ये हमारे गुरु भाई हैं, मड़ियाओ टीम से शौक करते हैं, और अद्धी का गेम लड़ाना तो हमारे गुरु भाई से शौक कर सकते हैं मॉर्निंग का, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, 1000 मीटर से कम पे लड़ाते नहीं दोस्तों ये, और डोर पे खेल खेलते चुटकी का खेल में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पे गुरु भाई हमारे। सालम भाई हमारे पीछे हैं और तैयारी ले रहे हैं यम काइट क्लब के लिए, ऑन भाई सामने देखे, और पेच हो रहा फाइनल का दोस्तों, और ऊपर से पे लड़ा रहे हैं तारिक भाई नवाब काइट क्लब के, पेच सही हो चुका है, चलते दोस्तों इसी साथ सीधे पेच की सामने देखे दोस्त, पेच होता है नीचे लड़ा रहे हैं ऑन यम के लिए, और ऊपर ला रहे हैं तारिक भाई नवाब काइट क्लब के लिए, सामने पे लड़ता बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला फाइनल का, पेच सही नीचे से हैं ऑन ऊपर से हैं नवाब के लिए तारिक भाई, नीचे से ऑन थपकी देते हुए चक्कर देते हुए जिगा लेते हुए ऊपर से तारिक भाई चक्कर देते हल्का तो मुड्ढा बाहर का लेके आते हुए जिगा लेते हुए, और हवा दोस्तों आज बहुत ही ड्रामा कर रही है ना, मतलब कहीं इधर जा रही कहीं उधर जा रही, और उसी के साथ पेच यहाँ पर कैंसिल हो गया दोस्तों। याद बाग आप देख रहे दोस्तों यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ छाई है पेड़ की वहाँ वहाँ लोग अपनी अपनी जगह लिए हुए हैं। और चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते सीधा पेच की ओर, चौथा पेच होता हुआ नवाब वर्सेस यम के बीच में, यहाँ पर पेच सही हो चुका दोस्तों, यहाँ पर नवाब काइट क्लब के लिए फाद भाई ऊपर से पे लड़ा रहे हैं, नीचे लड़ा रहे हैं ऑन यम के लिए, यम के लिए पतंग हल्का तो ऊँची करते हुए अमान अमान करें ऑन, और ऊपर से फाद भाई हल्का मुठ्ठा रखते हुए बाहर का जिगा लेते हुए नीचे से ऑन चक्कर देते हुए अंदर का मुठ्ठा लेके आते हुए थपकी देते हुए पतंग चलाते हुए, चौथे नंबर का पेच होता हो फाइनल का दोस्तों। 2-1 से आगे चल रहा है यहाँ पर नवाब काइट क्लब, और ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही दोस्तों, एक काटा पहले नवाब ने, दूसरा फिर काट दिया यम ने, फिर तीसरा काटा नवाब ने, और चौथा पेश हो रहा यम वर्सेस नवाब के बीच में फाइनल का, पेश सही सामने पेड़ लड़ता हुआ ऊपर से फाद भाई मुड्ढा रखते हुए जिखा लेते हुए नीचे से फाद, और यहाँ पर चक्कर कैची फंसाने को से डोर पर पेच यहाँ पर
कैंसिल हो गया दोस्तों इसी के साथ फाइनल का गेम दोबारा कैंसिल हुआ दोस्तों ये पेज। ये देखिए बुनियाद बाग की जनता। नाम क्या दोस्तों आपका? जयफा फैज। और आप आज यहाँ फाइनल देख रहे हैं, फाइनल कौन जीत सकता है? और आपको मज़ा आ रहा है इस गेम में देखने में? मज़ा तो आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और कौन जीत सकता है, यम की नवाब? नवाब। चलिए दोस्तों नवाब कह रहे हैं एक। और आप क्या कहते हैं, कौन जीत सकता है? यम की नवाब। यम यहाँ यम जीतेगा। और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पे यम के सपोर्टर हैं। और भाई से एक और जानते हैं, आज कौन जीत सकता है भाई फाइनल यहाँ पर? नवाब की यम। अभी 2-1 का स्कोर है, 2 काटे नवाब ने, 1 काटा यम ने। नवाब जीतेगा दोस्तों। और एक और राय लेते हैं दोस्तों। और बताइए भैया जी, नाम क्या आपका? आपकी नज़र पेज के ऊपर है, बाज की तरह है। अजहर पान खा रहे हैं तो मुंह नहीं खुल सकता, पान बाहर आ सकता है। तो आज जो गेम हो रहा बड़े भैया, तो ये कौन जीत सकता है, नवाब का एट क्लब की यम जीत सकता है? यम जीत सकता है, यम मजबूत है यहाँ पर। भाई का भी मत है यम। और आपका मत किसकी तरफ है? यम के लिए। और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा, सभी की निगाहें पतंग की ओर हैं। और हम भी चलते इसी के साथ फिर से पेज की ओर। आप देख सकते हैं बुनियाद बाग पूरा भरा हुआ पब्लिक से, जबरदस्त, जहाँ जहाँ तक देखें दूर दूर तक। चलिए दोस्तों एक बार फिर से तैयारी लेते हुए ऑन यम के लिए। और जबरदस्त मुकाबला चल रहा फाइनल का। फाइनल देखने के लिए आप देखिए भीड़ कितनी है बुनियाद बाग मैदान में। हर एक पेज के साथ यहाँ पर मैदान में भीड़ भरती चली जा रही है लोगों। और यहाँ पे खिलाड़ी को देखना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, कहाँ पर खिलाड़ी ऊपर का है और नीचे कहाँ। अगर बीच में आप चले जाएँ वीडियो बनाने के लिए तो दिखेगा ही नहीं दोस्तों यहाँ पर। और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता है फाइनल का, यम काइट क्लब वर्सेस नवाब काइट क्लब के बीच में। और फिर हवा चेंज हो गई दोस्तों यहाँ पर, हवा भागी वहाँ पर, फिर यहाँ पर ऑन अपनी क्रिच चेंज हो गई। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, आज यम का फाइनल मुकाबला है। हाँ यम आज जीत जाएगी, यम आज जीत जाएगी। अमान भाई भी टहल रहे हैं, और अमान भाई हमारे जिनको लखनऊ में डीएम साहब के नाम से लोग जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और बहुत बेहतरीन खेल खेलते हैं। ऊपर से रख के झटक के लाजवाब पेच काटते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतरीन आपको दिखाई देगा कैसे हमारे अमान भाई ने काटा पेच। और अमान भाई कैसे हैं? बढ़िया है, गेम चल रहा। अभी कई पेच हुए आपके? एक अमान भाई ने काटा, 2-1 कटे, 1 काटा अमान भाई ने काटा है। और सेमीफाइनल भी एक तरफा मुकाबला हमारे अमान भाई ने ही जिताया था। 5 पेज काटे थे टोटल अमान भाई ने 6 में से, और बहुत बेहतरीन मुकाबला जीता स्पीड काइट क्लब से। और आज का क्या चल रहा सीन? आज नवाब तो फाइनल में है जी, जंग जारी है, जंग जारी है कह रहे हैं भाई। 2 पेज उल्टे हो गए जी, 1 पेज मेरा है, 1 पेज इनका है। आ जाइए चलते हैं दोस्तों, पेज को फिर से एक बार समझते हैं। पेज सही की सीटी बच चुकी है यहाँ पर, सामने देखे पेज होता हुआ। नवाब वर्सेस यम के बीच गेम हो रहा है, ऊपर से लड़ा रहे हैं फाद भाई नवाब के लिए, और नीचे लड़ा रहे हैं यम के लिए ऑन ऑन। नीचे से अंदर का मुठ्ठा लेके जाते चक्कर देते हुए, ऊपर से फाद चक्कर देते हुए जिगा लेते हुए सामने पेज लड़ता हुआ। फाइनल मुकाबला यम काइट क्लब वर्सेस नवाब काइट क्लब, ऊपर से मुठ्ठा रखते हुए हाथ जिगा लेते हुए चक्कर देते हुए, बहुत ही पेशेंस का मुकाबला होता है यहाँ पर। जबरदस्त गेम हो रहा नवाब वर्सेस जम के बीच में, ऊपर से फाद भाई मुड्डा रखते हुए जिगा लेते हुए बाहर का मुड्डा लेके जाते हुए रखते हुए पेश सामने रखता हुआ पेश सही। नवाब वर्सेस यम 2-1 का स्कोर। बेहतरीन मुकाबला होता हुआ फाइनल, ऊपर से अंदर का मुड्डा रखते हुए नीचे सौन पट करते हुए जिखा लेते हुए अंदर जाते हुए पेस सही फिर पट करते हुए
पेज सामने लड़ता हुआ। हवा बहुत बढ़िया आ चुकी है यहाँ पर। ऊपर से नवाब, नीचे से ऑन, ये सही। ऊपर से नवाब के लिए चढ़ के आते हुए इस बार जिघा लेते हुए फाद भाई, नीचे से ऑन अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए। काफ़ी फटाव है दोस्त, पेच हो रहा है इस बार। और पतंग मुड्ढा तेजी से ऊपर लाते हुए जिघा लेते हुए, ऊपर से नवाब के लिए फाद भाई मुड्ढा लगा बाहर का लेके जाता, जिघा लेते हुए और अंदर की तेज। ऊपर से नवाब के लिए फाद भरपूर ताकत के साथ भर के गद्दा मारते, यहाँ पे तेजी से पट मारते, यहाँ पे जिघा लेके फिर पट मार दिया और यहाँ पे पट मार दिया, नीचे चली गई दोस्तों पतंग। और पतंग यहाँ पर उठ के आई एक खिलाड़ी की, और फैसला भी पता नहीं चला किसका है। और ये पेच, पेच कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ पर कैंसिल की चीटी बची दोस्तों, दोनों पतंग उठ के आ गई। पेच दोस्तों सही हो चुका है एक बार फिर से, और ऊपर लड़ा रहे नवाब के लिए फाद भाई और नीचे लड़ा रहे हैं ऑन यम के लिए। ऊपर नवाब के लिए मुड्ढा रखते हुए जिघा लेते बाहर तेज जाते हुए यहाँ पे झटकते हुए। और ये पेच बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन लाजवाब पेच काट दिया यहाँ पर फाद भाई ने नवाब काट कप के लिए। और ताली आपने सुनी जबरदस्त, और 3-1 का हो गया स्कोर नवाब वर्सेज यम के बीच में। बहुत बढ़िया मुकाबला, लाजवाब पेच। और आप भीड़ देखें यहाँ पर, ज़बरदस्त भीड़ है, नवाब काइट क्लब के फैंस यहाँ पर बहुत हैं। और यहाँ पर हमारे फैजान भाई भी हैं, फैजान उस्ताद हैं। और फैजान भाई जो पेच हो रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है अपना, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे आपकी? टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगी भाई, करा रहे हैं जी, कोई पार्शलिटी किसी के साथ नहीं हुई है, पूरी छूट देके लाजवाब टूर्नामेंट। और पहली बार तो आज तक अभी हिंदुस्तान में ऑल इंडिया टूर्नामेंट अधिक का हुआ ही नहीं, अधिक का नहीं, पहली बार हो रहा है। इन्होंने पूरी हिंदुस्तान में टूर्नामेंट शुरू किया रही भाई, और एक नंबर का टूर्नामेंट कराया, हर टीम खुश होकर गई जी जी। जितनी टीमें आई सब हमसे मिली है, सबसे हम लोग मिले, किसी टीम ने कोई शिकायत कहीं किसी टीम ने नहीं की, किसी टीम ने कोई सीजन बहुत जबरदस्त, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ टूर्नामेंट में कहीं कुछ, बहुत जबरदस्त मुकाबला। और अभी स्कोर क्या चल रहा है अपना नवाब? और 3-1 का स्कोर चला नवाब ने, टीम वो भी अपने घर की टीम जी जी, इससे फाइनल हुआ। और ये नईम भाई हमारे हैं, नवाब काइट क्लब वर्सेज यम के बीच में गेम चल रहा है, फाइनल मुकाबला है, तो नईम भाई ये कौन मुकाबला जीत सकता है यहाँ पर? अभी तो नवाब के हक पे है फैसला, गेम अच्छा लड़ा रहे हैं नवाब की तरफ से जी, आज भाई ने तो पेज अच्छे काटे हैं, तारिक भाई पता है अच्छे लड़ा रहे हैं जी जी, हम लोग तो सपोर्ट नवाब का, नवाब का सपोर्ट है भाई का। और हमारे यूसुफ भाई भी आए हैं, नईम भाई के बेटे हैं। और यूसुफ भाई कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पर? मज़ा आ रहा भाई, गेम को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है मैदान के अंदर, सभी के निकाह हैं पेज की ओर है यहाँ पर। ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट 2024 बुनियाद बाग, यम काइट क्लब के सपोर्टर देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त। अमान भाई का पेज देखने के लिए खड़े हैं, और पीछे हैं सालम भाई, फाइनल का मुकाबला, और घेरे में हैं आप देख सकते हैं खिलाड़ी, और चारों तरफ दर्शक हैं इस फाइनल मुकाबले देखते हुए। अमन भाई पेड़ लाएंगे, नवाब काइट क्लब से फाइनल का गेम चल रहा है, 3-1 का स्कोर है, ज़बरदस्त शोर है इस मैदान के अंदर। सोरी भाई इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे आज? जनता पब्लिक बहुत है इस मैदान के अंदर, नवाब के लिए फाद भाई तैयारी ले रहे आप देख, नवाब के खिलाड़ी भी चारों तरफ घिरे हुए दर्शकों से। और चलते दोस्तों हम पेच की ओर, सामने पेच होता हुआ नीचे से है अमान यम के लिए, और ऊपर से हैं नवाब के लिए फाद भाई। दोस्तों फाइनल मुकाबला होता हुआ यम काइट क्लब वर्सेज नवाब काइट क्लब के बीच में गेम चल रहा है, और पेच बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। ऊपर से ला रहे नवाब के लिए फाद भाई, नीचे ला रहे हैं और अमान के लिए, अमान भाई ला रहे हैं यम काइट क्लब के लिए,
और बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आपने अभी तक देखा मैदान में इस फाइनल को देखने के लिए पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है और सामने पेल होता हुआ ऊपर से फाद भाई चढ़ के जाते हुए नीचे से अमान अंदर का मुठा तेजी से लेके जाते हुए जिगा लेते हुए और ऊपर से फाद भाई जिगा लेते हुए चेहरे की तरफ सामने पेल होता हुआ बहुत जगह और अंदर आते हुए तेजी से हाथ को जिगा लेते हुए पता अपनी ऊंची करते हुए ऊपर से फाद मुड्ढा रखते हुए बाहर का अज्ञातों से जिगा लेते हुए बाहर का मुड्ढा रखते हुए अमान चक्कर देते पट करते बाहर ले जाते हुए डोर पे खेल खेलने कोशिश लेकिन पेच नहीं हुआ। और इसी के साथ आप देख रहे हैं मैदान में सन्नाटा छा चुका है और सभी की निगाहें इस पेच की ओर है। फाइनल मुकाबला नवाब वर्सेस यम ऊपर फाद मुठा रखते हुए बाहर का यम के लिए चक्कर देते जिगा लेते हुए और कैंची फिर डबल करने की कोशिश और ये पेच डोर पे आ गया दोस्तों। कैंची चल रही है और डोर पे खेल होता हुआ यम वर्सेस डोर पे खेल होता हुआ कैंची चलती हुई नवाब वर्सेस यम और इसी के साथ ये पेच नवाब का इटलब ने काट दिया दोस्तों और ये पेच फाद भाई ने जबरदस्त फाइनल मुकाबले में बहुत बेहतरीन काट दिया और नवाब काइट क्लब के समर्थक सपोर्टर बहुत ही इंजॉय करते हुए इस पेच को और ये रहे आलोक भाई पतंग को संभालते हैं और ताबित भाई पतंग उतरवाएंगे और डोर बदल के फिर से उड़ेगी पतंग ये जबरदस्त। ये हमारे मोहित भाई, मोहित भाई कैसा लग रहा है आपको ये मुकाबला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल खुश हो गया मेरा एकदम। जी 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 बहुत राजा भाई भी आ चुके हैं मैदान में एंजॉय कर रहे हैं आज फाइनल को और राजा भाई के साथ हमारे दिलशाद भाई भी हैं जो कि इंटर निसार भाई के भाई हैं और हमारे राजा भाई सैफ के भाई हैं। नहीं मैं रिजवान का भाई, रिजवान भाई के भाई मोनू भाई। मैं राजा ही हूँ, राजा है राजा और मोनू एक जैसे हैं दोस्तों, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हमारा राजा भाई हैं और ये दिलशाद भाई निसार भाई के भाई हैं और मैदान में ज़बरदस्त गेम चल रहा है और फाइनल मुकाबला चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फाइनल बहुत बढ़िया हो रहा है और अवध नवाब ने चार कार्ड दिए हैं। जी 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 और बहुत बढ़िया मैच हो रहा है, भीड़ आप देखिए चारों तरफ है, बहुत जबरदस्त लग रहा है कि हमारे मेला लगा हुआ, मेला लगा हुआ है और लोग लुत्फ उठा रहे हैं, मज़ेदार बढ़िया मज़ा आ रहा है और बढ़िया आक्रामक मैच हो रहा है, आक्रामक मैच हो रहा है। ये देखिए काफी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं मैदान देख सकते हैं आप, पूरा भरा हुआ है जबरदस्त। ये देख पब्लिक है, पैर रखने की जगह नहीं दोस्तों आज फाइनल मुकाबले में यहाँ पर बुनियाद बाग में। जो आ रहा है बाहर से वो ठहरा जा रहा है इसी मैदान के अंदर। बहुत भारी देखे डिस्कशन हो रहा है आपस में, बातचीत हो रही है, 1-5 काटना चर्चा चल रही है हम के लिए। अभी आपकी मुलाकात हमने राजा भाई से कराई थी और ये हमारे मोनू भाई हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं आप, अगर सेविंग कर लें तो पता नहीं चला है राजा है मोनू है भाई चेहरा एकदम मेल खाता है। और मोनू भाई आज किसके सपोर्ट में हैं मोनू भाई आप? हम जी दोनों के सपोर्ट में, जो अच्छा लड़ाएगा वो जीतेगा। मतलब नाम देखिए अभी तो वैसे तो नवाब जीत रहा है। जी 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 बाकी जब अगर अच्छी लड़ाएगा तो आगे तक जाएगा, आगे तक जाएगा। नवाब काइट क्लब के लिए देखे सामने फाद भाई तैयारी ले रहे हैं, जिगा ले रहे हैं, पेल लाएंगे ऊपर से और नीचे लड़ाएंगे, यम के लिए लड़ाएंगे ऑन दोस्तों और तैयारी ले रहे अपनी जिगा बना रहे दोस्तों। यहाँ पर पब्लिक बहुत है दोस्त यहाँ आज मैदान के अंदर फाइनल मुकाबला देखने के लिए, ऑल इंडिया अद्दी काइट टूर्नामेंट 2024 बुनियादबाग मैदान और पब्लिक की कोई कमी नहीं, यहाँ पर पूरा मैदान भरा हुआ है जबरदस्त, हर एक खिलाड़ी दर्शकों से भरा हुआ। फाइनल मुकाबला देखते हुए सभी दर्शक और सभी की निगाहें इस पेच के ऊपर हैं और चलते हैं हम फाइनल मुकाबले की तरफ। और ये देखिए भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, अफजल भाई भी हैं। अफजल भाई कैसा लग रहा है आपको ये मुकाबला है फाइनल का? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है जी,
और कौन जीत सकता है यहाँ पर? जो बेहतर लड़ाएगा वो जीतेगा, हमारा अंचल भाई कह रहे हैं। और तैयारी सीटी बच चुकी दोस्तों, इसी के साथ चलते सीधा पेज की ओर। सामने देखे पेज होता हुआ फाइनल का मुकाबला, पेज सही सीटी बच चुकी है। सामने दोस्तों पेज लड़ता हुआ नवाब काइट क्लब वर्सेस यम के बीच में, यम के खिलाड़ी हैं और शायद लड़ा रहे इस बार, और ऊपर लड़ा रहे हैं फाद भाई नवाब काइट क्लब। पेज सामने लड़ता हुआ ऊपर से नवाब के लिए फाद भाई मुड्ढा रख के पता अपनी ऊँची करते, नीचे से आवाज चक्कर देते हुए जिगा लेते हैं, अंदर का मुड्ढा लेकर आते हुए पर पता यहाँ पर नवाब के लिए पता है अपनी ऊँची कर ली यहाँ पे फाद भाई ने। पेस सही सामने देखे पेल होता दोस्तों, 4-1 का स्कोर जिसमें 4 काटे नवाब ने और 1 काटा है यम ने। पेस सही नीचे से ऑन जिगा लेते हुए तेजी के साथ अंदर का मुड्ढा लेकर आते हैं, ऊपर से फाद चक्कर देते हुए अंदर को। ये सही है काफ़ी पटाव में दोस्तों, ये पेच हो रहा है और जिगा लेके पता है ऊँची करते बाहर का मुड्ढा लगा तो लेके आते हुए ऊपर से नवाब के लिए फाद भाई चक्कर देते हुए नीचे से ऑन ऊपर से फाद, फाद हल्का मुड्ढा रखते हुए ऊँची करते पता है अपनी ऑन थपकी देते पतंग चलाते हुए। फाइनल मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मैदान जंग होते हुए यहाँ पर फात मुड्ढा बाहर का लेके जाते हैं ऑन, नीचे से अंदर का मुड्ढा दिखाते हुए दिखा लेते हुए तेजी के साथ फिर फात ऊंची करते हुए पतंग अपनी। फाइनल मुकाबला सभी की सांसें थम चुकी हैं, ऊपर फात भरपूर ताकत से गद्दा मारते और डोर पे रख दिया और बहुत बढ़िया रोक के यहाँ पर जबरदस्त पेच काट यहाँ पर फाद ने नवाब का एक क्लब के लिए। और यहाँ पर आपने इस पेच के साथ आपने गोले की भी आवाज़ सुनी, नवाब के सपोर्टर ने गोला भी लगा दिया मैदान के अंदर जबरदस्त। वहाँ पे आप देख सकते हैं फाद भाई को नवाब का एक क्लब के खिलाड़ियों ने उठा लिया गोदी। आसिम मोरंग के नाम से लखनऊ वासी सभी लोग जानते हैं, बाहर के भी लोग जानते हैं यहाँ पर। और ये बाबू भाई हमारे स्काई क्लब के स्टार प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा मेला में बाबू भाई ने काटा है इस सीजन में जी, सबसे ज़्यादा नंबर एक पे ही है बाबू भाई, स्काई क्लब के बाबू भाई है, स्काई क्लब के स्टार प्लेयर हमारे बाबू भाई हैं। और आज इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे आसिफ भाई आप? टूर्नामेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है जी, लोगों को यम को ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन उन्हीं ने उन्हीं के मतलब गेम लड़ाया और उस हिसाब से वो आगे चल रहे हैं जैसे को तैसा। हाँ मतलब गेम दोनों बहुत फेयर लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा टूर्नामेंट, एक नंबर का ऐसा टूर्नामेंट हमने देखा ही नहीं जी जी। और प्राइस जो है वो बहुत अच्छा प्राइस, बढ़िया प्राइस, बहुत ही अच्छा प्राइस, जो सबके साथ मतलब फेयर गेम कराया, किसी के साथ कोई बीमारी नहीं कोई कुछ नहीं, टूर्नामेंट ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा इससे पहले कभी हुआ ऑल इंडिया अद्धी का कभी नहीं, भाई? कहीं नहीं हुआ, कहीं कभी कहीं नहीं हुआ अद्धी का ऑल इंडिया, पहला टूर्नामेंट था लेकिन इतना अच्छा टूर्नामेंट है कुछ है। लखनऊ की टीम हालांकि दोनों फाइनल में है जी, बाहर की टीमें बहुत ही कट गई लेकिन लखनऊ की टीम ही यहीं पे फाइनल। हमारे छम्मन में जो टूर्नामेंट करा रहे हैं जहाँ इस एरिया के सवा सा जी जी जी, इतनी भीड़ देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से शायद इतनी भीड़ आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत पब्लिक है, भीड़ नहीं देख पाएंगे, गर्मी है लेकिन पब्लिक यहाँ मैदान के अंदर धूप में तप रही है और इस टूर्नामेंट को देख नहीं पा रही है इस मैदान में, जगह बहुत कम पड़ रही है, पब्लिक ऐसे घेरी की खिलाड़ी नहीं दिख रहा कहाँ पर है, खिलाड़ी को घेरे ले रहे हैं दोस्त। और भाई लोग भी आए हैं मैदान में टूर्नामेंट देखने के लिए, जम के लिए हमारे देखिए ऑन भाई तैयारी ले रहे हैं, पतंग अपनी चेक कर रहे हैं। ऑन भाई स्कोर क्या चल रहा है अभी अपना? 5-1 का चल रहा है और आखिरी पेज किसका है? आपका बचा है अमान भाई का, ऑन भाई का पेज बचा है और आप देख सकते हैं यम के सपोर्टर चारों तरफ हैं, यम की सेना और जिगा लिए पूरा घेरे में खिलाड़ी को और पूरा मैदान देके भरा हुआ खचा का इस टूर्नामेंट देखने के लिए, देखिए मौज लेते हुए इंजॉय करते हुए। कौन जीतेगा अब? आज आए वो भी अभी अभी देखने अभी अभी आए घर से निकले हैं, पता भी नहीं इनको स्कोर क्या होगा, बस किसके सपोर्ट में है ये देखें, यम के सपोर्ट में अभी भी उम्मीदें जिंदा है लोगों की। 5-1 का स्कोर है और कह रहे यम जीतेगा, देखे बहुत ही खुश हैं गेम को देख करके,
बुनियाद बाग मैदान, जबरदस्त मुकाबला। नवाब कैट क्लब के लिए स्टार प्लेयर फाद भाई, जबरदस्त मुकाबला तारिक भाई। और आप देख सकते हैं फाइनल मुकाबला है और चारों तरफ से देखे खिलाड़ियों यहां पर घेर रखा है। लेकिन लोगों ने हाथ से बांध रखा जिससे खिलाड़ी को कोई घेर न ले। फाइनल मुकाबला है और सभी लोग आप रेडी हो जाए इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। और 5-1 का स्कोर अगर ये पेच काट देता है नवाब का एक क्लब तो 6-1 से ये गेम विन कर लेगा नवाब। और पेच तय की सीटी बच चुकी, चलते दोस्तों सीधा पेच की ओर। सामने भी पेच होता हुआ ऊपर से नवाब के लिए है, फहद भाई चढ़ के जाते हुए जिगा लेते हुए नीचे से ऑन जम के लिए अंदर का मुड्ढा लेके आते हुए। जबरदस्त मुकाबला, शायद 5-2 का स्कोर है दोस्तों। और फाइनल मुकाबला स्कोर के अपडेट आपको बता दें 5-1 का है, सॉरी अभी ऑन से बात हुई थी हमारी, 5-1 का स्कोर है। ऊपर से ला रहे हैं यम के लिए, यम के लिए नवाब के लिए फहद भाई और नीचे से हैं ऑन यम के लिए। पेस सही, ऊपर से मुड्ढा लेके जाते हुए नवाब के लिए फहद भाई रखते हुए जिगा लेते हुए पेस सही। सामने पे लड़ता हुआ और नीचे से ऑन अंदर का मुड्ढा लेकर आते जिगा लेते हुए ऊपर से फहद मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए सामने पे लड़ता हुआ। जबरदस्त मुकाबला, और सबकी था सांसें थम चुके दोस्तों इस मैदान के अंदर। यम के सपोर्टर चाहते हैं ऑन काट दे और नवाब के सपोर्टर चाहते हैं कि फहद काट दे नवाब के लिए। और ये जंग है कप की और देखते हैं कप कौन उठाता है आज। बुनियाद बाग ऑल इंडिया दी कार्ड टूर्नामेंट 2024, नीचे का अंदर मुड्ढा लेकर आते हुए जिगा लेते हुए ऊपर से फहद मुड्ढा रखते हुए जिगा लेते हुए फहद मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए रखते भरपूर तक ऑन पट मारते हुए और जिगा लेते हुए अंदर की तेज खींचते हुए और ये पेच डोर पे खेल खेलते हुए झटके देते हुए और ये पेच बहुत बढ़िया पेच काट दे यहाँ पर नवाब के लिए फहद। और इसी के साथ नवाब कार्ड क्लब ऑल इंडिया दी कार्ड टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन बन चुका है दोस्तों। और हमें आज का चैंपियन मिल चुका है नवाब। और देखिए फहद भाई को लोगों ने उठा रखा है गोदी में और आतिशबाजी होती है, तालियां बजती हैं, जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त। तारिक भाई को गोद में उठा लिया लोगों ने, नवाब ऑल इंडिया चैंपियन बन चुका दोस्तों। ये देखिए एक बार फिर से लखनऊ ऑल इंडिया दी कार्ड टूर्नामेंट 2024 आतिशबाजी होती हुई। और यहाँ पर यह मुकाबला 6-1 से नवाब कार्ड क्लब ने विन कर लिया यहाँ पर। और ये देखो गोला रखता हुआ जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही हुजूम लगा हुआ यहाँ पर। और यहाँ पे ऑन भाई बधाई देते हुए तारिक भाई को, रॉकी भाई गाली से कहाँ चले गए रॉकी भाई, आगे चले गए। बहुत बहुत बधाई देके बधाई देते हुए हमारे आलोक भाई, रॉकी कहाँ यार,
कहाँ रोकी पढ़ाई की घड़ी लग गई भैया नवाब काइट क्लब को और ये नवाब काइट क्लब चैंपियन बन गए। ये रहे हमारे ताबिज भाई। ताबिज भाई बहुत देर से अपना मुंह ढके हुए थे और नवाब काइट क्लब जीत गया है और इस हमारी टीम है वो यम भी थी और ये हमारे चारों क्लब भी हमारे चारों अपनी थी लेकिन इस जीत के बारे में क्या कहें नवाब ये तो एक तरफा काट दिया भाई उन्होंने फाइनल तरफा मुकाबला जीत लिया एक तरफा काट दिया एक तरफा जीत लिया और यहाँ पर नहीं भाई समीर उनके मतलब का ही गेम लड़ा जैसा उनको पसंद है खेल। ये हमारे समीर लखनऊ के स्टार प्लेयर जिन्होंने तीसरी रैंक हासिल की यहाँ पर। हमारे जमीनों के बादशाह भी आज इस फाइनल को देखने के लिए आए थे यहाँ पर बुनियाद बाग में और नवाब काइट क्लब विन कर चुका है बॉबी भाई और इस जीत का श्रेय किसको देंगे और क्या कहना चाहेंगे जीत के लिए नवाब काइट क्लब को? जीत का श्रेय तो दोनों ही खिलाड़ी को जाएगा। जी जी हालांकि फाइनल में जो है पांच भाई ने पांच पेच काटे जी उससे पहले सेमीफाइनल में तारिक भाई ने पांच पेच काटे थे। तो खिलाड़ी दोनों मेहनत करते हैं दोनों ने बहुत अच्छी पतंग लड़ाई है और एक तरफा सेमीफाइनल एक तरफा फाइनल जी कर दिया इन्होंने और ये मिल के जीता है दोनों और बहुत अच्छा टूर्नामेंट लड़ाया बहुत अच्छे पेज भी लड़ाए और हमारे तिवारी भाई का चैनल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें बहुत मेहनत करते हैं ये आप लोग देखते हैं वीडियो मगर लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब कर पाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट करके सब्सक्राइब करिए चैनल को इनके। जी 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 बहुत मेहनत करी इन्होंने यार पूरे टूर्नामेंट में इतनी धूप है हम लोग तो कभी कभी आते हैं इन्होंने बहुत मेहनत करी हम जब जब आए बेचारे धूप में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो इस इनकी मेहनत को समझिए आप लोग इनकी मेहनत को समझिए और इनके चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बॉबी भाई। जी जमीनों के बाद हमारे दोस्तों और हमारे प्रवेश भाई बहुत मेहनत करते हैं और इनका काम है देखिए आप देख रहे हैं रस्सी आप गेम ख़त्म हो चुके हैं रस्सी समेटते पूरा बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं प्रवेश भाई। दोस्तों अब चलते हैं सीधा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पास यहाँ पर क्या किसको मिल रहा है और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ आपने देखा फाइनल मुकाबला नवाब काइट क्लब वर्सेस जम काइट क्लब के बीच में खेला गया और भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लग चुकी है और चलने को आज समय तक लगेगा देखिए क्या मिलता है किसको दोस्तों। आप ही आ जाए आप ही आ जाए शिबू आ जाए हिंदुस्तान की शिबू हिंदुस्तान की शिबू तारिक भाई जीता है तारिक भाई मैन ऑफ द सीरीज दिल की अपनी बात बदल ली थी उन्हें मार मार के काट दिए तो अपनी उसमें आ गया सबसे ज्यादा पेच काटते हैं पेच स्कोर मैन ऑफ द सीरीज और अमान को 30,000 रुपए चेक दिया गया वो झूठा चेक था लेकिन लिफाफे के अंदर अमाउंट है वो असली अमाउंट है असली मनी है अंदर इस लिफाफे के अंदर और 60,000 ये रही भैया ट्रॉफी रनर टीम की सामने देखिएगा सामने भाई सामने भाई इधर पान जम का क्लब के लिए दो पतंगे दी गई हैं तांबे की पतंगे दोस्तों और तांबे की चरखी भी है दोस्तों इसी का बहुत बहुत बधाई जम काइट क्लब को विनर के लिए दोस्तों जोरदार विनर हो चुका दोस्तों ये रहा 45,000 रुपए का एक 45,000 रुपए का एक दो चेक मिलेंगे 90,000 भाई इधर देखिएगा तारिक भाई को 45,000 रुपए और फाद भाई को 45,000 रुपए इधर देखिएगा इधर मिलता है आपको और ये नगद जो है लिफाफे में टोटल 90,000 रुपए इनाम है नवाब का तो पहले तारिक भाई को दिया जा रहा है पहला इनाम 45,000
बहुत बहुत बधाई नवाब काइट क्लब को दोस्तों। आज भाई आ गए हैं विनर, इन्होंने फाइनल मैच जिताया और एक तरफा मैच कर दिया और पांच पेस काटे फाइनल में फाद भाई ने नवाब काइट क्लब के लिए। जैसा खेल सामने वाले ने खेला वैसा खेल खेला फाद भाई ने नवाब के लिए। रॉकी भाई भी आ गए थे मेरे साथ, 45,000 रुपए नगद पुरस्कार। इधर देखिए भाई, आप पकड़ लीजिए जाएगा रॉकी भाई की नहीं रॉकी भाई। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई नवाब का क्लब को ऑल इंडिया चैंपियन बनने के लिए दोस्तों।